बरसाना में इस बार खुलेगा गेहूं खरीद केंद्र, किसानों को मिलेगी सुविधा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 15 फरवरी में जारी नीति निर्देशानुसार राजगढ़ जिले में उपार्जन समिति की सहमति से राजगढ़ जिले के ग्राम भैसाना में गेहूं उपार्जन केंद्र बना दिया गया। आपको बता दें कि भैसाना गांव के देवनारायण मंदिर परिसर में गेहूं खरीदी केंद्र बनाया जा रहा, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों पर्याप्त वाहन पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी और टिनसेट की सुविधा भी मिलेगी। इधर बैसाना केंद्र बनने से ग्राम बैसाना, दौलतपुरा, गियाखेड़ी, गेहूखेड़ी, कुराड़िया खेड़ी, मोईजोगीपुरा, भैसानी आदि गांवों के किसानों में काफी खुशियां देखी जा रही है। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। लंबे समय से हम बैसाना सहकारी प्राथमिक सहकारी संस्था में गेहूं खरीदी गेहूं उपार्जन केंद्र की मांग कर रहे थे। पूरे 20-25 गांव की ये सोसाइटी है और पूरा क्षेत्र दूधी कुंवर चैन सागर डैम एवं कुशलपुरा डैम से सिंचित क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज होती है। पूरे क्षेत्र में गेहूं है और किसानों को गेहूं विक्रय करने के लिए पचोर, बोड़ा, इधर मुंडली, लंबी दूरी पे सोसाइटियों में जाना आना पड़ता था। दो दो तीन तीन दिन तुलाई में लगते थे, वहीं रोटी खाना, वहीं रहना, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बात को लेकर के हमने माननीय राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी, प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह जी और ऊर्जा मंत्री खिलचीपुर दरबार से भेंट की और उन्होंने तत्काल माननीय कलेक्टर महोदय को बता करके यहाँ गेहूँ उपार्जन केंद्र स्वीकृत कराया। तो हमने भी कमी नहीं छोड़ी, हमने भी यहाँ टीन सेट 200x200 को बना करके किसानों के सहूलियत के लिए सारी यहाँ पूरा ग्राउंड व्यवस्थित करके और यहाँ हम गेहूं खरीदी केंद्र चालू कराएंगे और माननीय प्रभारी मंत्री जी को बुला करके इसका हम शुरुआत करेंगे और उसी में ही हम ये हायर सेकेंडरी भवन भी बन के तैयार हो गया। साथ दोनों जगह एक ही जगह है। यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए भी हमने एक रूम बना रखा है पीछे, वहाँ बैठ करके उनके सामग्री वगैरह रख लेंगे। मतलब पूरी व्यवस्थित हमने पूरा काम करके ही हमने मांग रखी थी कि यहाँ गेहूं खरीदी केंद्र चालू हो और किसान सहूलियत पूर्वक रह करके यहाँ गेहूं तुलाई कराएंगे और शासन को भी हम टीन सेट देंगे ताकि यहाँ गेहूं बारिश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं रखा रहेगा। धन्यवाद। जय